को उठाऊं। थैंक यू जीसस, तेरे वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। जो मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं, इन जीसस नेम। स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। आमेन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। रोमियो 8, इंग्लिश में रोमन्स, यानी जो रोम की पत्री थी, रोम के कलीसिया की, पौलुस द्वारा लिखी गई, उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसको मैं बीच बीच से पढ़ूंगा। 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, अपनी बाइबल को उठाओ, एक अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, जो मैं सुनूंगा फल लेके आऊंगा। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। आमेन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना ही हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। अपने शरीर की ओर देख के बोलो, ओ शरीर, मैं तेरा कर्जाई नहीं हूं। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को उसकी अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यदि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। सब बोलो आमीन। 28 में लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। सब बोलो आमीन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। इसमें आपने एक लाइन ये पढ़ी थी कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, 11 आयत, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वो जिलाएगा। और एक लाइन हमने ये पढ़ी थी इसमें कि यदि हम संतान हैं, लिखा अगर मसीह तुम में है, उसका आत्मा अगर तुम में बसता है, तो ही तुम परमेश्वर की संतान हो। इसमें एक वायदा परमेश्वर का किया, उसने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। शरीर यानी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, पाप, गंदा देखना, लिखा वैर भाव, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, चुगली, माता पिता की आज्ञा ना मानना, लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, और ना ही परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। जो शरीर की दशा में है वो प्रभु को खुश नहीं कर सकते।
पर लिखा अगर प्रभु का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अगर वो आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, अगर तुम में उसका आत्मा नहीं है तो तुम उसके जन नहीं हो। इसमें एक बात हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि यदि तुम संतान हो परमेश्वर की, संतान कैसे बन सकते हो अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो। लिखा अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो तुम उसकी संतान हो, अगर तुम उसकी संतान हो तो तुम उसके वारिस भी हो। अगर तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए पर तुम्हें महिमा भी मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह को सताव के बाद लोग आज तक महिमा देते हैं। आपको ध्यान से ये वचन समझना है। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर के जन हो तो इसकी निशानी यह है कि उसका आत्मा तुम में होगा। अगर उसका आत्मा लिखा तुम में होगा तो आगे क्या होगा, कहता तुम्हारी वो मरणहार देहों को जी उठाएगा। कहता अगर यीशु मसीह में परमेश्वर का आत्मा बसता था तो यीशु मसीह की जो मरण देह थी, जो कोड़े मार के क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया था, लिखा परमेश्वर की आत्मा ने उस शरीर को जीवन दिया था। लिखा अगर वही आत्मा तुम लोगों में बसे तो वो तुम्हारे इस बीमार शरीर को चंगा क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हारे बीमार बिजनेस को चंगा क्यों नहीं करेगा, बीमार रिलेशनशिप जो तुम्हारी है वो उन्हें चंगा क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं हर एक मुर्दा चीज को तुम्हारी जिंदगी में जीवन दे दूंगा, उसे जीवित कर दूंगा। तुम्हारा वो कैरियर हो, तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा तो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर एक चीज जिंदा हो जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से, आज एक एक हस्बैंड जो है, एक वाइफ जो है, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बात करे, ये बाहर क्यों देखता है, ये मेरे साथ मिलता क्यों नहीं, ये मेरे साथ घूमता क्यों नहीं, ये मुझ पर ध्यान। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में बसे तो बाइबल कहती वो तुम्हारी रिलेशनशिप को तुम्हारे हस्बैंड के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारे भाई के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारी माँ के साथ जीवित कर देगा। फिर एक माँ को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बेटे से कि बेटा मेरे साथ बात किया करो, मुझे अपने घर में रखो, मुझे निकालो नहीं। लिखा अगर प्रभु का आत्मा तुम में बसेगा तो वो सारी चीजें तुम्हारे जो आसपास हैं, तुम्हारे शरीर समेत, वो उन्हें जिंदा कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं जितने तुम्हें वायदे, जितनी प्रतिज्ञाएं और जितने वचन दूंगा वो तुम्हारे फायदे के लिए होंगे। परमेश्वर का फायदा नहीं है उसमें, तुम्हारा फायदा है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर में मन लगाओगे तो मरोगे। कैसे मरोगे? तुम ऐसे नहीं मरोगे जैसे लोग मरते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप घर में मरी हुई, तुम्हारा बिजनेस मरा हुआ है, फाइनेंस मरा हुआ है, शरीर एक तरह का मरा हुआ है, तरह तरह के दुख जकड़े हुए हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे, क्योंकि अगर शरीर में मन लगाओगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा नहीं, अगर वो बसेगा नहीं तो जिलाएगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसकी आत्मा को ग्रहण कर लो और उसकी आत्मा के अनुसार चलो, अब जरूरी नहीं अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो उस आप में उसका आत्मा नहीं। अगर आप यीशु मसीह को जेन्युइनली प्रभु कहते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आप में बसता है। इसका मतलब यह आप में वो बसता है। इसीलिए शैतान आपको व्यभिचार में गिराने की कोशिश करते हैं। उसको मालूम है अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो मैं इसकी चीजों को मुर्दा नहीं कर पाऊंगा। अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो यह जीवित होती जाएगी, होता जाएगा, आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, फलवंत होता जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु पाओगे, पर अगर शरीर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवन पाओगे। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे घर में। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे माता पिता में, तुम्हारे घर में, हर जगह तुम जीवन पाओगे अगर मेरा आत्मा तुम में बसेगा और तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की आत्मा को तुमने पा लिया, यानी तुम अगर जेन्युइनली बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, बाइबल के हर रूल को फॉलो करते हो, तो उसने कहा तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो। तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो वारिस भी हो, हाँ या ना? उसकी प्रॉपर्टी के क्या हो? वारिस हो। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी थी परसिक्यूशन, ये उसकी प्रॉपर्टी थी सताव। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने हरे भरे को सताया तो तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं ऐसा करेंगे, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया तो तुमसे वो व्यर्थ बैर क्यों नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी हमने मदद की है
और उन्होंने हमारा विरोध किया, व्यर्थ बैर किया। बाइबल कहती अगर यह वचन पूरा नहीं होया आपकी लाइफ में हुआ तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर लोगों ने आपको सताया है इसका मतलब उसका आत्मा आप में बसता है, आपके अंदर रहता है वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारे अंदर बसता है, अगर लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें कलेश दिया है, तो परमेश्वर ने कहा मेरी एक और प्रॉपर्टी भी है जो महिमा है। अगर तुम्हें क्लेश मिला तो महिमा भी मिलेगी, मैं तुम्हें ऊंचा भी करूंगा तुम्हें। ओह आपका आमीन अगर ऊंचा है तो यह आशीष आपकी है। उसने कहा यदि तुम संतान हो तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब 50-50 नहीं, संगी वारिस का मतलब परमेश्वर और मैं एक चीज के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह और मैं इस माइक के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह भी इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब मेरा दिल करे मैं भी इस माइक को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपके पास जो बैग है वो यीशु मसीह भी उसका मालिक है, आप भी उसके मालिक हैं। जो यीशु मसीह का है वो मेरा है, जो मेरा वो यीशु मसीह का। अगर कहता अगर अगर कहता उसका आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम उसके वारिस हो, संगी वारिस हो। अगर तुमने दुख उठाया तो उसके साथ तुम महिमा भी पाओगे, तुम्हारी इज्जत दूसरों से ज्यादा होगी, लोग तुमसे ज्यादा प्यार भी करेंगे। अगर 10 लोग तुमसे नफरत करते हैं तो 10 करोड़ लोग तुमसे प्यार करने वाले भी होंगे। ये सब वायदे परमेश्वर ने कहा ये मेरी संतान के लिए जिन लोगों में परमेश्वर का आत्मा बसता है। क्योंकि 18 आयत में लिखा मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। हालेलुया। आपके आपका बनने का पीरियड, बनने का टाइम 5 साल का हो सकता है, दाऊद की तरह 10 साल का हो सकता है, 12-13 साल का हो सकता है, पर राज करने का टाइम आपका आपका कितने दशक चलेगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपके बनने का टाइम कुछ साल हो सकता है, कुछ साल आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दे सकता है, पर उसके बाद वो आपको रिलीज करेगा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन बाइबल कहती ये योजनाएं तब पूरी होंगी अगर हम आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे तो। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो एक टारगेट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। लिखा अगर शरीर पर मन लगाओगे तो इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। आप समझ रहे हैं क्या? अगर तुम शरीर पर तो तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। शरीर पर मन लगाना लिखा मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। आपको आपको ध्यान से समझना है। आ जाओ एक जना। वो सामने प्रभु का टारगेट है जो आपके लिए परमेश्वर ने सोचा। वो सामने क्या है? वो प्रभु की बुलाहट है, यानी परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, इसलिए आपको उसने अपने पास बुलाया कि ऐसे ही बुला लिया। हाँ, उसने अपना लहू देके आपको बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, उसने फालतू में नहीं बुलाया। अब प्रॉब्लम कहां पे? वो सामने टारगेट तभी मिल सकता है अगर आत्मा आपके कान में बात करे तो। हाँ, ये वाला कान नहीं, कौन सा वाला? अंदर वाला कान। वो कान बाइबल पढ़ते भी चालू हो सकता है, यहां बैठे भी वचन सुनते भी, फास्टिंग में, प्रेयर में, और परमेश्वर कई बार बहुत लंबी बात नहीं करता, एक झटके में वो ऐसी चीज आपको बोल जाता है, आपको मालूम होता है कि ये प्रभु ने कहा है। आमीन। अब वो क्या है? परमेश्वर का। लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो। वो टारगेट सामने है, प्रभु ने बताया मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। अब मुझे पता है कि बड़े काम होंगे, मुझे पता है कि ये वाले काम होंगे, पर मुझे चलना कैसे पड़ेगा? आत्मा के अनुसार। क्योंकि जैसे ही मैं चलूंगा, ये तो टारगेट दिख रहा है, आपका टारगेट आपको दिखेगा नहीं। परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है पूरी तरह साफ भी नहीं होगा कई बार, पर आपको ये मालूम होगा कुछ बड़ा है मेरे सामने। और जब ये चलेगा आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर इससे बात कर रहे हैं, सीधे चल। हाँ, प्रभु इससे बात कर रहा है। सुनो, अब इधर और इधर क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। ये बुला रहा है उसको, बुला इसको। अब ये आत्मा के अनुसार चल रहा है और ये इसको आ जाए इधर। अब इधर शरीर है, क्या है इधर?
अगर ये इधर जाएगा तो अपने टारगेट से क्या हुआ, हट गया कि नहीं? क्योंकि शरीर के अनुसार चलना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब परमेश्वर चाहता है ये सीधा चले, लेकिन कुछ चीजें इसको इधर ले गई। अब इधर शैतान भी है, अगर वहां जीवन था यहां मौत भी है। हाँ, अटैक्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सुनो ध्यान से, अलग अलग चीजें होंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, दुख आएंगे, झमेले आएंगे, और तब मालूम होगा नहीं मैं गलत जगह पे आ गया हूं। अब ये मुंह फिर उधर को हो जाएगा, प्रभु बोलेगा अब चल फिर से। हाँ, फिर से अब इधर फिर कोई डिस्ट्रेक्शन आ गई। हाँ, अब ट्विटर आ गया, ट्विटर आ गया। हाँ, आ जा इधर, आ जा भी। अब ध्यान, ये विश्वासियों का हाल है, उन्हें मालूम है सीधा चलना है, वो सामने मेरा टारगेट है, परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे चुना है, पर कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, और यही घूमते रहेंगे सारे विश्वासी। पर आपको सीधा चलना है। आमेन। लिखा, अगर तुम आत्मा से, अपनी स्पिरिट से शरीर की क्रियाओं को मारोगे, हाँ, इसको दूर करना है, मार के चल भाग जा, तो कहता तुम जीवित रहोगे और फिर तुम चलोगे फिर से। हाँ, और ऐसा नहीं कि शैतान रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो बीमारियां नहीं भेजेगा या वो दुख नहीं भेजेगा, वो सब कुछ करेगा ताकि आप उस लाइन को छोड़ दो। हालेलुया। और जब आप चलते रहेंगे स्पिरिट की बात को सुन के, और ये स्लो पीरियड होगा, ये स्लो स्लो होगा, आपकी परीक्षा इसमें होगी, आपके पेशेंस की, आपकी धीरज की, आपके हर प्यार की परीक्षा होगी, और आप अगर पास होते गए, अड़े और खड़े रहे। हाँ, आप समझ रहे मेरी बात क्या? और ये ऐसा एक विश्वासी की लाइफ में होता है, हर विश्वासी की लाइफ। कुछ लोग उधर जाते उधर ही रह जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते इधर ही, दो साल इधर ही रह जाते हैं, दो साल एक गलत रिलेशनशिप में चले गए, दो तीन साल वेस्ट हो गए, अगले दो तीन साल बनने में वेस्ट हो गए, लाइफ के 5 साल खराब कर ली। अब वो वैसी लाइफ कभी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ तो परमेश्वर करेगा अच्छा। अब अगर ये चलता गया और बढ़ता गया, हाँ, तो लास्ट एक जो बंदे का स्टेप आता ना, यहां एक बड़ी परीक्षा होती, यहां फैसला करना होता है, क्योंकि आदमी को स्टेप दिखेगा नहीं, यहां फैसला करना होता है, अब मसीह के साथ चलना है, मुझे सब कुछ गंवाना पड़ेगा, शायद मैं बचूं ना बचूं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा है सामने, आपको दिखेगा नहीं पर वो खड़ा है, और अगर आप मन बना गए आप चढ़ जाओगे। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। आप चढ़ना चाहते हो क्या? ग्रहण करो उस अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो जाएगी आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन हो जाएगी आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, सामने क्या है? टारगेट है आपका, प्रभु आपको परखने वाला है, उस परख में आपको ये माथा, परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, इसको कड़ा कर लेना, इस माथे को क्या करना, इसको जरा सख्त, जरा ढीठ कर लेना, इसको कुछ भी आए इस पे असर ना हो। ढीठ लोग परमेश्वर में कामयाब होते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शारीरिक दशा में जो बसते हो खुदा को खुश नहीं कर सकते, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो,
बस तुम्हें आगे चलना है। अब आवे, अब कार तो मिल गई, कार तो ले लिए, बिना कार के नहीं है हम, पर उसे चलाना है अब और सही दिशा में। आमीन। पुलिस बेट आपको प्रार्थना करने के लिए बोले, आप करनी। लोग पार्टी में होंगे, आप प्रेयर में होंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ, जो परमेश्वर आपसे कराएगा उसका रिजल्ट दूसरों से देर हो सकती, पर वो परमानेंट होगा सदा के लिए। और लिखा, जो ब्लेसिंग यहोवा दे उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आपके सामने एक टारगेट है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम बेटे हो, वारिस हो, अगर तुमने उसके साथ दुख पाया है परमेश्वर को मान के, तो महिमा भी पाओ। आमीन। क्योंकि तुमने दुख पाया, दूसरों ने नहीं पाया। तुम बुरे थे, तुम्हारी खिलाफत नहीं होती थी, तुम मसीह में आ गए, अच्छे बन गए, बहुत अच्छे हो गए, ज्यादा अच्छे हो गए, और ज्यादा खिलाफत करते लोग। क्यों? परमेश्वर ने कहा, अगर तुमने दुख पाया तो महिमा भी पाओगा। वो आपको लिफ्ट करेगा, ऊंचा करेगा। तुम्हारे दुश्मन ऐसे सामने रख के ना, दीवार के सामने जाके ऐसे ऐसे करने वाले हैं। क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम दुख पाओगे तो महिमा भी पाओगे। तो सोचो, जब एक मिलियनेर, जब एक करोड़ अरबपति किसी के घर में गिफ्ट लेके जाएगा, हाँ, वो प्लास्टिक वाले फूल लेके तो नहीं जाएगा, हाँ, वो अपने लेवल का गिफ्ट लेके जाएगा। जब खुदा आपको महिमा देगा, सोचो किस लेवल की होगी। आप समझ रहे कि नहीं? हमने तैयारी करनी, पीक में जाना है आप अपनी लाइफ ऊपर, कमर बांध के आओ चर्च, फास्टिंग में। कुछ शैतान, कुछ दुष्ट आत्माएं, बीमारियां ऐसी जो आत्मा के एक सर्टन लेवल तक पहुंच के निकलती हैं। जितने मर्जी अच्छे हो आप, वो नहीं जाती। आप क्वेश्चन करेंगे, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपने अनॉइंटिंग को, अपने मसे को, अपनी सहभागिता को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा कर साफ कर दिया, हमको बचा लिया, हो पाप को मिटा कर साफ कर दिया, हमको को मिटा कर साफ कर दिया, हमको बचा लिया, पाप को मिटा कर साफ कर दिया, हमको बचा लिया। अब यहां तो को हिलाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में मांगो। अपने हाथों को उठा के मैं आत्मा के अनुसार चलूं। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले दो मिनट प्रार्थना में जाओ। आत्मिक जिंदगी को मांगो फिर से, अपने हाथों को उठा के, आत्मा के अनुसार मैं चलूं, खुदा के टारगेट को पूरा करूं, मैं महिमा को पाऊं, मेरा घराना महिमा को पाए, मेरी सेवकाई महिमा को पाए, क्योंकि बाइबल कहती है हम महिमा पाएंगे, यदि उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड,
आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।